हेलो एवरीवन, सोनल की रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ विंटर स्पेशल चिक्की की रेसिपी लेके आई हूँ। और ये चिक्की है वो पीनट और चॉकलेट से बनी हुई है और उसको मैंने थोड़ा अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है ताकि बच्चों को ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक कटोरी जितने मूंगफली के दाने लिए हैं और उसे रोस्ट कर हल्का सा पीस लिया है। तो ये एक कटोरी मूंगफली के दाने हैं और उतना ही मैंने गुड़ लिया है। अब हम सबसे पहले कटोरी में तेल लगा लेंगे। मैंने यहाँ पर ऐसी छोटी कटोरी ली है। अगर आपके पास ऐसी कटोरी नहीं है तो हम जो रूटीन में यूज़ करते हैं वो वाली कटोरी भी आप यूज़ कर सकते हो। अब हम एक पैन में गुड़ डालेंगे और उसे धीमी आंच पर मेल्ट होने के लिए रख देंगे और उसमें एक छोटी चम्मच घी ऐड करेंगे ताकि गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। गुड़ है वो मेल्ट हो गया है और ऐसे ही हम 2 मिनट उसे पकाएंगे। आप देख रहे हो कि गुड़ का कलर है वो चेंज हो गया है। तो हमारी चाशनी रेडी हो गई है। वो चेक करने के लिए हम एक कटोरी में पानी डालकर उसमें गुड़ के ड्रॉप्स डालेंगे और चेक करेंगे कि ये गुड़ है वो सख्त हो गया है। यहाँ पे मेरा गुड़ है वो सख्त हो गया है, तो चाशनी है वो रेडी हो गई है। इस स्टेज पर हम पिसी हुई मूंगफली ऐड करेंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को भी हम बंद कर देंगे। हमारा मिश्रण है वो तैयार हो गया है। तो अब हम एक चम्मच में घी लगाएंगे और उसी चम्मच से मिश्रण को भर के कटोरी में डालेंगे। कटोरी में हम घी लगाएंगे, फिर ऐसे मिश्रण को हम हल्का सा दबाकर उसे अच्छे से फैला लेंगे। ऐसे ही हम सारी कटोरी में मिश्रण को अच्छे से फैला देंगे। और ये नॉर्मल कटोरी ली थी, उसमें भी मिश्रण को हमने अच्छे से फैला दिया है और उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और तब तक हम चॉकलेट को मेल्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने डार्क चॉकलेट ली है और उसे कट कर डबल बॉयलर मेथड से उसे मेल्ट कर लिया है। हमारी चॉकलेट है वो मेल्ट हो गई है और चिक्की भी ठंडी हो गई है, तो हम उसे डिमोल्ड कर देंगे। अब हम चिक्की को मेल्टेड चॉकलेट से कोट कर लेंगे। चिक्की को ऐसे आधी ही चॉकलेट से कोट करेंगे। फिर उसे बटर पेपर पर रख देंगे। फिर उस पर मैं ऐसे स्प्रिंकल्स डाल रही हूँ, बट ये ऑप्शनल है। अगर आपको डालने हैं तो आप डाल सकते हो। तो हमारी चॉकलेट कोटेड चिक्की तैयार हो गई है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।